और नमस्कार। भारतीय मूल की दिग्गज अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। फेमस पर्सनालिटीज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के आज डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं की लाइफ से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गीता को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दूसरे नंबर का पद दिया गया है। फिलहाल वो IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं। उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त होने वाला था और फिर से हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में लौटने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि वो जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी। भारतीय मूल की अमेरिकी गीता गोपीनाथ का जन्म 8 दिसंबर 1971 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता मूल रूप से केरल के थे और कन्नूर में रहते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा कर्नाटक के मैसूर स्थित निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से हुई। गीता बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता गोपीनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 7वीं क्लास तक तो गीता के महज 45% नंबर आते थे, लेकिन इसके बाद वो पढ़ाई में निखरती गईं। बाद में गीता के 90% तक नंबर आने लगे। स्कूली शिक्षा के बाद गीता ने मैसूर में महाराजा पीयू कॉलेज से साइंस की पढ़ाई की। मार्क्स बहुत अच्छे थे और वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा सकती थी, लेकिन उन्हें अर्थशास्त्र पढ़ना था। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स किया। फिर वहीं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में MA किया, जिसके बाद वो वॉशिंगटन चली गई और वहाँ की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की। दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों में शुमार गीता को इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित शोधों के लिए जाना जाता है। साल 2019 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। ध्यान रखिएगा कि गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में वैश्विक आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए असाधारण काम किया। पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, तब उन्होंने दुनिया को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। IMF ने गीता गोपीनाथ की भूमिका को रेखांकित किया है, कोरोना महामारी पर कैसे नियंत्रण किया जाए और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में कैसे बढ़ा जाए, इसकी योजना बनाने में गीता गोपीनाथ ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके वर्क प्लान पर ही IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक साथ मिलकर मल्टीलेटरल टास्क फोर्स तैयार किया था और वैक्सीन निर्माण से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक की समस्याएं दूर हो गईं। IMF की फर्स्ट डिप्टी MD बनाए जाने के बाद गीता गोपीनाथ IMF में निगरानी और उससे संबंधित नीतियों का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही उनके पास अनुसंधान और प्रमुख प्रकाशनों के देखरेख का भी जिम्मा होगा। बता दें कि IMF का सबसे बड़ा शेयर धारक अमेरिका ही डिप्टी MD को नॉमिनेट करता है और इसके बाद IMF के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। गीता गोपीनाथ 21 जनवरी 2022 से नए पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। मालूम हो कि फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वेमेन की सूची के अनुसार गीता 7वीं सबसे शक्तिशाली महिला हैं। तो श्रोताओं, ये तो थे कुछ जरूरी पॉइंट्स गीता गोपीनाथ के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस चैनल पर ऐसी ही तमाम फेमस हस्तियों के बारे में बताते रहेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जिन्हें हर परीक्षा की तैयारी से जुड़े कोर्सेज उपलब्ध हैं जो देश के जाने माने शिक्षकों द्वारा बनाए गए हैं। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कीजिए, यकीन मानिए सफलता आपको मिलकर रहेगी। मिलते हैं जल्द एक और पर्सनालिटी के साथ। हाँ, इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। नमस्कार।